नमस्कार आदाब, मैं हूं फरहान और SPN9 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बीते दिन अशोक चव्हाण जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया था। बयान बहुत ही अहम था और हमने कहा था कि इसका पलटवार भी अवश्य होगा और पलटवार हुआ भी। पहले हम आपको बताते हैं क्या कहा था अशोक चव्हाण ने। अशोक चव्हाण ने यह कहा था कि 2014 के समय जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस के, माफ़ कीजिएगा, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बने थे, तब भी शिवसेना चाहती थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन किया जाए। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि भाजपा के साथ गठबंधन करके उसकी सरकार बनाई जाए। इस पर हमने कार्यक्रम किया था और कहा था कि यदि शिवसेना ऐसा चाहती थी तो जब दोबारा 2019 में चुनाव हुए तो वह क्यों भारतीय जनता पार्टी के पास प्रस्ताव लेकर गई 50-50 के लिए। यदि वह 50-50 के लिए मान जाती तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती। तो कहीं ना कहीं से मैंने इस बयान को खारिज किया था अशोक चव्हाण के, कि उनका कहना सही नहीं है इस बात पर कि शिवसेना कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहती थी। लेकिन यह बात कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दिल में लग गई है। देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आया है। उन्होंने क्या बयान दिया है, बहुत ही अहम बयान दिया है अपनी पार्टी के लिए। उन्होंने कहा, चलिए शिवसेना का असली चेहरा तो सामने आ गया। बिल्कुल, अब तक आपके साथ वह शायद एक रोल प्ले कर रही थी, अब उसका असली चेहरा सामने आ गया है। इस बात का दुख नहीं है कि शिवसेना ने, अशोक चव्हाण ने क्या बयान दिया, क्या शिवसेना का सही बयान है या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उस शिवसेना से बहुत पहले से नाराज़ है, जैसे ही उसने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बयान भी नहीं दिया था, तब से ही शिवसेना पर पलटवार होने लगे थे और उसको निशाने पर लिया जाने लगा था। और जहां विकास की बात हो रही थी, वहां पर एक धर्म की बात सामने ले आई गई थी, ला दी गई थी वह बात। क्या कहा देवेंद्र फडणवीस ने, उन्होंने ये कहा कि शिवसेना का असली चेहरा सामने आ गया। वह किस असली चेहरे की बात कर रहे हैं, हम आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद शिवसेना ने जैसे ही सरकार बनाई, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया। सावरकर के मुद्दे को लेकर भी उद्धव ठाकरे कुछ नहीं बोले, और यह भी कहा गया आदित्य ठाकरे की तरफ से, जब संजय राउत ने आलोचना की सावरकर के, जब बयान के खिलाफ बयान दिया गया और वह कांग्रेस की आलोचना करने लगे, तो आदित्य ठाकरे ने भी साफ कह दिया कि यह संजय राउत का व्यक्तिगत बयान है, ना कि शिवसेना का बयान है। बहुत बड़ी बात है, शिवसेना के बहुत ही पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बाल ठाकरे के साथ चलते रहे हैं। अब उनके बयान को शिवसेना का बयान नहीं माना जा रहा है, बल्कि व्यक्तिगत बयान माना जा रहा है। हम आपको बता दें, जब कोई वरिष्ठ नेता बयान देता है तो व्यक्तिगत बयान के रूप में पेश नहीं किया जाता है, बल्कि यह कहा जाता है शिवसेना का यह बयान, कांग्रेस का यह बयान या भाजपा का यह बयान। लेकिन अब संजय राउत के बयान को साबित कर दिया गया था, उनका व्यक्तिगत बयान। यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस को लेकर वह क्यों कह रहे हैं इस बात को लेकर कि असली चेहरा सामने आ गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के खिलाफ ही सारी योजनाएं बनाती है। जो भी उसके हथकंडे होते हैं, जो भी उसके भाषण होते हैं, वह अल्पसंख्यकों के खिलाफ होते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे जब जिस तरह से कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार में आए हैं, ना ही वह अल्पसंख्यकों के विरुद्ध कुछ कह रहे हैं, बल्कि CAA, NRC और NPR का भी विरोध करते नजर आ रहे हैं। तो यह विरोध अशोक चव्हाण के बयान को लेकर नहीं है, बल्कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी को लगातार लताड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यह बयान उस दुख, वह दुख व्यक्त कर रहा है, ना कि अशोक चव्हाण के बयान की वजह से देवेंद्र फडणवीस ने यह बयान दिया है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस किस वजह से नाराज हैं। क्या उद्धव ठाकरे जिस तरह से मुसलमानों के हक में, के विरोध में नहीं खड़े हो रहे हैं, CAA, NRC का विरोध कर रहे हैं, उस वजह से परेशान है, या अशोक चव्हाण ने जो बात कही है उस वजह से परेशान है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार।